गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक आवर चेंजिंग अर्थ। इन आवर फर्स्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, और धीरे धीरे जो है ना ये सरकती रहती हैं, जगह बनाती रहती हैं। द मॉल्टन मैग्मा इन साइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये प्लेट्स जब हिलती हैं तो सरफेस के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस आती हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अंदर की तरफ जो मूवमेंट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एंडोजेनिक फोर्सेज। एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस आर एक्सोजेनिक फोर्सेज। जो बाहर की तरफ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एक्सोजेनिक। वी मे डिफाइन एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज इन दिस वे। सडन फोर्सेज इन द शेप ऑफ अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स। डेस्ट्रोफिक फोर्सेज बिल्डिंग माउंटेंस। एंड एक्सोजेनिक जो है इरोजनल एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। तो कई बार तो मूवमेंट्स जो हैं काफ़ी धीरे धीरे होती हैं और कई बार मूवमेंट्स जो हैं काफ़ी सडनली होती हैं, जल्दी से हो जाती हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस। तो अर्थक्वेक्स आते हैं उसकी वजह से वॉल्केनोज आते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉयनेस कंडीशन, डिस्ट्रक्शन जो है होता है। वॉल्केनो कैसे आता है? वोल्केनो कैसे बनता है? तो नीचे से एक मुंह बन जाता है, वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, जिससे मोल्टन जो है बाहर आता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो ऊपर वाइब्रेशन होती है और इन वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं? अर्थक्वेक्स। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, एंड द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। तो ये हिस्सा तो है फोकस, और ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है? एपिसेंटर। अब ज़्यादा डिस्ट्रॉय जो होता है वो इसके आसपास के एरिया के अंदर होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्ट्रॉयनेस कंडीशन जो है वो कम हो जाती है उधर दूर के एरियाज के अंदर। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम इसके बारे में कि कब अर्थक्वेक आएगा, बट सम प्रिडिक्शंस जो हम थोड़ा सा कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एनवायरनमेंट या लोगों की सुनी हुई बातों से, तो क्या होता है? इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, कि पशुओं का व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। ये कुछ सिंपल सी ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं और सिर्फ अजम्पशंस हैं, ये अंदाजों पर है। अर्थक्वेक एक केस स्टडी। भुज में एक अर्थक्वेक आया था 2001 के अंदर, जिसको मेजर किया गया था 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल। स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था स्कूल के एरिया के अंदर। 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो इतने लोग जो हैं खतरे में पड़ गए थे, जिनको डर था नुकसान होने का। भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइट, 3 दिन के बाद जो है मेडिकल सप्लाईज या और कंडीशन जो हैं सब लोगों तक पहुँचाई गई, फैसिलिटीज़ दी गई। डिस्ट्रक्शन जो हुआ उसमें क्या हुआ? फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइन, पावर स्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है ख़राब हो गई। फायर इन द सिटीज़, काफ़ी ज़्यादा जो है फायर की कंडीशन वहाँ पे बनी।
एमरजेंसी डिक्लेयर हुई वहाँ पर, प्रेसिडेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ एमरजेंसी एंड सीएम अपील टू द सेंटर, और सीएम ने अपील की वहाँ पर ग्रांट्स के लिए कि इकोनॉमिकल हेल्प की जाए लोगों की। अर्थक्वेक प्रिपेडनेस, कैसे थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं, सेफ स्पॉट ढूंढा जा सकता है, स्टे अवे फ्रॉम इन सब चीज़ों से दूर रह करके, फायरप्लेस से, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, जहाँ पे शीशे वगैरह का कोई नुकसान हो सकता है तो उस एरिया से थोड़ा सा दूर रखा जाए, एंड बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स यूर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशन को फेस करें। नेक्स्ट इज मेजर लैंड फॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बींग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, दो तरीके से वॉर्न होता है, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस, रॉक्स का टूटना अर्थ की सर्फेस पर। एंड इरोजन क्या है? इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। और लैंडस्केप के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी, पार्टिकल्स थे, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू या आइस के थ्रू जो है एरोजोना, द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे ऑफ और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, एक जगह से बहाया जाता है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिस्पोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स जो हैं इससे बनती हैं। वर्क ऑफ ए रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, तो क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रही है, ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल, तो ये क्या बना रही है यहाँ पे, वाटरफॉल क्रिएट करती हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स, तो क्या होता है वहाँ पर बेंडिंग कंडीशंस आती हैं, जैसे ये आ रही है तो इसे क्या कहते हैं, मेंडर्स, हिंदी में इसे नाम देते हैं विसर्प आकार जो कहते हैं हम, जैसे सांप होता है ना, सांप कैसे चलता है टेढ़ा मेढ़ा होकर के, तो ऐसी ये कंडीशन ये बनाते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिस्पोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मिएंडर, द एंड्स ऑफ मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ, जैसे ये एरिया अलग पोर्शन शो किया गया है, तो ये ऐसी जगह क्या कहलाती है, ऑक्सबो लेक। एंड कई बार ऐसी जगह पर बाढ़ भी आ जाती हैं, फ्लड्स भी आ जाती हैं, तो क्या होता है, डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सोयल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक, काफ़ी सारा मटेरियल यहाँ पे जो है इकट्ठा हो जाता है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लिवीज। नेक्स्ट इज व्हेन द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स के अंदर बट जाती है तो वहाँ पे क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूटरी, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। एंड जो कलेक्शन यहाँ पर होती है सेडिमेंट्स की, जितने भी मुंह आ रहे हैं इन सब से होने वाली जो सेडिमेंट्स की कलेक्शन है वो क्या कहलाती है यहाँ पर, डेल्टा। वर्क ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स के अंदर जो होती फंक्शनिंग होती है, इरोजन एंड डिस्पोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, तो वहाँ पर कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ पर सी वेव्स जो हैं उछाल में आती हैं। कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, वो क्या करती हैं, चट्टानों से टकराती हैं और कई बार इनके अंदर क्या आ जाता है, क्रैकनेस आ जाती है और होल्स बनने शुरू हो जाते हैं। वी मे सी इन दिस पिक्चर, तो ये पहले यहाँ पर बनते हैं इस तरह के छोटे होल्स जिन्हें नाम दे दिया जाता है सी केव्स का, और फिर ये धीरे धीरे जो है बड़े होने लग जाते हैं, खुले होने लग जाते हैं इस तरह से, इन्हें क्या कहते हैं, सी आर्क।
Here we define hollow like caves are formed on the rocks. They are called as sea caves. And after that, when the hole become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arcs. ये छोटे जो हैं सी केव और बड़े वाले जो हैं सी आर्क. थर्ड पोजीशन, इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. सिर्फ दीवार रह जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? स्टैक्स. लाइक दिस स्टैक्स. एंड द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबोव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. वर्क ऑफ आइस. आइस क्या करता है? अब ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक. ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज देयर. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. और जब ये आइस मेल्ट होती है तो क्या होते हैं? ये लेक की शेप ले लेती हैं. ये एरिया जो है, पहले यहाँ पे आइस है, जब आइस मेल्ट होकर के नीचे आ रही है तो क्या बन गई? एक लेक का शेप ले लेती हैं. The material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. तो काफ़ी सारा मटेरियल इसके साथ आता है. एंड दीज डिपॉजिट फ्रॉम फॉर्म ग्लेशियल मोरेंस. और ये क्या कहलाता है? ग्लेशियल मोरेंस के नाम से. नेक्स्ट इज विंड. वर्क ऑफ विंड. डेजर्ट एरिया के अंदर अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पर ये फंक्शनिंग क्या करती हैं? इरोजन एंड डिस्पोजिशन की जो फंक्शनिंग है उसके लिए एक्टिवनेस क्या होती है? विंड. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिस्पोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड. तो विंड सारी मूवमेंट करती है. यहाँ पर इरोजन होता है, डिस्पोजिशन होता है, डेजर्ट्स के अंदर सारा विंड के ऊपर है. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम. तो यहाँ पे कैसी शेप्स होती हैं? मशरूम के जैसी. और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मशरूम रॉक्स. विंड्स अराउंड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट. सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप. ऊपर का हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा होता है. व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो सेंड क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह पर चलती रहती है हवा के साथ. व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सेंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल. और जब हवा चलनी बंद होती है तो वो सेंड क्या होती है? दोबारा से नीचे आती है, डिपॉजिट होती है लाइक स्ट्रक्चर, लो हिल हिल लाइक स्ट्रक्चर. दीज आर कॉल्ड सेंड ड्यून्स. और ये शेप क्या कहलाती है फिर? सैंड ड्यून्स का नाम दिया जाता है इसे. विंड के अंदर काफ़ी पावर है, सैंड को काफ़ी दूर तक ले जा सकती है. व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. एंड व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्ज एरियाज इट इज कॉल्ड लूज. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लूज इज फाउंड इन चाइना. चाइना के अंदर ये कंडीशन जो है ज़्यादा देखने को मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, डू रिवाइज लेसन एंड कीप योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स. थैंक यू.